क्या सोनाली फोगाट की हत्या हुई? सोनाली फोगाट के शव पर नोकीली चीजों से निशान, चोट के आखिरकार है किसके? गोवा पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़े बड़े खुलासे होने का दावा किया जा रहा है। जी, हत्या की FIR दर्ज हो चुकी है। सोनाली फोगाट की मौत सुशांत सिंह की तरह क्या उलट चुकी है? मौत के कुछ घंटे पहले माँ से फोन पर बात हुई थी, कहा था माँ खाने में कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार क्या वाकई में सोनाली फोगाट को किसी ने मार डाला? ऐसा कौन सा दुश्मन हो सकता है जिसने सोनाली फोगाट का 2000 किलोमीटर तक पीछा किया, फिर कहानी को अंजाम दिया? परिवार का दावा है कि मौत से कुछ घंटे पहले सोनाली को आभास हो गया था कि बहुत कम वक्त बचा है, और माँ को आखिरी फोन भी लगाया जिसमें सोनाली ने कहा कि माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शरीर में कुछ अजीब हो रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है या खाने में कुछ मिला दिया है। अब सवाल ये कि उन 4 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि BJP नेता की मौत हो गई? बहन रेमन फोगाट और भाई रिंकू ढाका का दावा है कि उनकी बहन को मारा गया है। 6 साल पहले सोनाली के पति संजय की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, तब फार्म हाउस में उनकी बॉडी मिली थी, वो भी एक नेता थे, इसलिए शक की सुई कई तरफ घूम रही है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहा। सोनाली 3 दिन के लिए गोवा गई थी, 22 अगस्त से 25 अगस्त तक उन्हें गोवा में रहकर एक गाने की शूटिंग करनी थी, लेकिन पहले ही दिन ऐसी हालत हो गई, यानी प्लानिंग पहले से ही थी। जो टीम उनके साथ गई थी वो भी शक के दायरे में आ सकती है। अगर टीम को वाकई में कुछ नहीं पता तो फिर क्या 2000 किलोमीटर तक किसी ने हरियाणा से गोवा तक सोनाली का पीछा किया, उसके बाद उन्हें खाने में जहर देकर मारने की साजिश रची गई, या फिर कहानी को उस ओर मोड़ा जा रहा है ताकि वेब सीरीज की तरह पुलिस इधर से उधर घूमती रहे और असली कातिल फरार हो जाए? अगर ऐसा हुआ है तो वैसे इस केस में कई सवाल अनसुलझे दिखाई देते हैं। पुलिस सुशांत की तरह इसे खुदकुशी इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि खाने के तुरंत बाद सोनाली ने अपनी माँ को फोन कर कहा था कि खाने में कुछ गड़बड़ लग रही है। इसका मतलब साफ है कि हो सकता है कि उनके साथ कोई साजिश रची गई हो। अब ये साजिश करने वाला कौन हो सकता है, इसे समझने के लिए पहले आपको सोनाली के बारे में जानना होगा। हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली सोनाली फोगाट की परिवार में 3 बहनें और 1 भाई है। हिसार दूरदर्शन में बतौर एंकर सोनाली ने कैरियर की शुरुआत की, एक्टिंग और मॉडलिंग में भी हाथ आजमाया, रवि किशन जिम्मी शेरगिल के साथ काम किया, GTV के शो में दिखी, हरियाणवी एल्बम में दिखी। 2019 में BJP ने उन्हें आदमपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन वो जीत नहीं पाई। उस वक्त कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। उसके बाद अब कुलदीप खुद BJP में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि इस सीट से सोनाली फिर चुनाव लड़ना चाहती थी और कुलदीप बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे। कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली के निधन पर दुख जताया है। कई बड़े नेता भी इनकी मौत से दुखी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सोनाली ने कहा था कि जो भी भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएगा वो पाकिस्तानी कहलाएगा। इस पर खूब विवाद हुआ था, इसलिए कहा जा रहा है कि उनकी हत्या में देश विरोधी ताकतें भी हो सकती हैं। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। सोनाली ने खुद बिग बॉस सीजन 14 में कहा था कि वो पति के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पहुँची हैं। हो सकता है कि वो सियासत में नाम कमाती, इससे पहले ही किसी ने उनका काम तमाम कर दिया। सोनाली की उम्र अभी 43 साल की ही थी। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। यह हकीकत है कि आजकल लोगों को कम उम्र में हार्ट अटैक आ जाते हैं, लेकिन एक्टिंग, मॉडलिंग या फिर सियासत की दुनिया में सिक्का जमाने की कोशिश कर रही सोनाली फोगाट की मौत उनके फैंस को इतनी साधारण बात नहीं लगती है। सोनाली अपने पीछे 15 साल की बेटी को छोड़ गई। वो सियासत में नहीं आना चाहती हैं, लेकिन एक्टिंग में अपनी माँ की तरह ही नाम कमाना चाहती हैं। सोनाली की मौत अब भी सस्पेंस बनी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही इससे पर्दा उठेगा कि आखिरकार उनकी मौत की सच्चाई है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।